हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लकी अरबी व्लॉग। मैं हां लकी ते मैं तो अपना विक्रमजीत सिंह ते हाजिर हां एक नवी वीडियो दे नाल। ते आज पर गल करांगे इमरान खान दी कप्तानी पारी दी। हां बिल्कुल, कप्तानी पारी दे अपने दौर विच उन्होंने बहुत 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 वधिया उम्दा रोल निभाया, लेकिन हुन दे टाइम विच जो अपनी कप्तानी हो किस किस मतलब पोस्ट ते कर रहे ने कप्तानी, इस टाइम यू है कि ने अपना पहले से है कि अपना पीएम, ठीक है, हुन अगले पोजीशन विच द्वारा ते 5 मिलियन इन्हां दे फॉलोवर हो चुके ने टिकटॉक ते बहुत ही घट टाइम मतलब मुद्दे दी गल मतलब करिए ते कहन दा मतलब भी सोशल मीडिया ते आन दा इमरान खान दा जो मोटिव है वो पूरा हो चुका है। मोटिव कह सकदे हो तुसीं? बिल्कुल कह सकने हां, हालांकि इन्हां ने किसे नूं इह नहीं कहा कि तुसीं फॉलो करो ना करो, तुहाडी मर्जी, करना करो नहीं करनी ना करो। इन्हां ने पहली वीडियो पाई सी ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਡਨਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਸਪੀਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਪੀਚ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ इमरान खान साहब दे सोशल मीडिया अकाउंट बारे, चाहे वो ट्विटर होए, चाहे वो फेसबुक दा होए, चाहे यूट्यूब दा होए। आपा इस वीडियो च आपा गल करांगे ओनली एंड ओनली टिकटॉक अकाउंट। हां टिकटॉक मैं गल कर रही सी, चलो कोई नहीं, हुण तुसीं कर दित्ती है ते वेरी गुड। सो टिकटॉक अकाउंट बारे असीं गल करन वाले आ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਫੋਲੋਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿੰਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਫੋਲੋਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਫੋਲੋਵਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ। ਫਸਟ ਟਿਕਟੌਕਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਬੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਟਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਗਭਗ 161 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਨ, 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ 161 ਮਿਲੀਅਨ ਫੋਲੋਵਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਕਰ ਲਓ ਫੋਲੋ, ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ। कप्तान ने टिकटॉक को फाड़ के रख दिया जनाब, 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 1.1 मिलियन फॉलोअर्स, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया टिकटॉक के ऊपर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। नाम का एक बंदा आपको पता होगा, 185 मिलियन या 100 कितने मिलियन उसके फॉलोअर हैं टिकटॉक पे, उसको भी चकरा दिया खान ने, क्योंकि इतनी तेजी से किसी के भी आज तक फॉलोअर्स नहीं बढ़े। अब इसके ऊपर इस वीडियो में आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा जो इस वक्त दूसरी तरफ हो रहा है और जो खान की तरफ इस वक्त हो रहा है। खान के नाम के ऊपर अकाउंट बना, याद रखिए खान साहब खुद सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, खान खुद ये चीजें हैंडल नहीं करते, उनकी टीम है, चाहे वो 2 बंदों की टीम हो, 4 बंदों की टीम हो, तो इमरान खान का नाम इस्तेमाल होता है। उनके फेसबुक अकाउंट को भी खान साहब खुद हैंडल नहीं करते, इसी नाम ही काफी है ना। जो अकाउंट बना उसको भी ये खुद हैंडल नहीं करते, जो पीटीआई का ऑफिशियल बना था उसको भी ये खुद हैंडल नहीं करते, उनमें से कुछ लोगों मैं जानता हूँ, यानी खान साहब खुद नहीं करते, उनकी टीम उनके नाम पे अकाउंट बनाती है और फिर उसको वो चलाते हैं। यूट्यूब के ऊपर आपने देखा खान साहब का जो अकाउंट बना है उसके भी मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स चले गए हैं, सब्सक्राइबर्स चले गए हैं, और अब उसके ऊपर मोनेटाइजेशन ऑन हो गई है, जिसका मतलब ये है कि हर महीने कुछ ना करके सिर्फ खान साहब की जो बयानात आते हैं, जो उनकी वीडियोज आती हैं, वो सिर्फ उन वीडियो की बेस पे ये 4-5 करोड़ रुपए आराम से खान साहब को सोशल मीडिया अकाउंट से। अब टिकटॉक के ऊपर एक लाइव फीचर होता है, अब दूसरे जहां पर मैं खिलाफ हूं ये जो बेहयाई के तौर पे इस्तेमाल होता है, उसी तरफ मैं अगर देखूं तो एक बड़ा जबरदस्त काम किया खान साहब ने कि टिकटॉक के ऊपर जब वो लाइव किया गया उनका एक सेशन, ये जो ट्विटर स्पेस हुई थी, तो उसके ऊपर जनाब खान साहब को गिफ्टिंग होनी शुरू होगी और वो तकरीबन 10 मिलियन के करीब गिफ्टिंग हुई, यानी ये भी तारीफ। ओह माय गॉड, पहली बार हुआ कि पहली बार बंदा टिकटॉक पर जाकर लाइव है, उसको गिफ्टिंग होनी शुरू हो जाए, लोगों ने दिल खोल कर गिफ्ट किए खान साहब को। और अब दूसरी तरफ जनाब एक मातम सा बिछगा हुआ है, कोशिश कर रहे हैं कि वो कबूतरों को कहें कि आंखें बंद है तो कोई बात नहीं, बिल्ली नहीं कुछ करेगी, तुम आंखें बंद रखोगे
तो कोई बात नहीं, हिरण को कहेंगे कि शेर तुम्हें नहीं खाएगा। मतलब आप लोगों को कौन समझाए कि ये जो सोशल मीडिया होता है ये किसी की जागीर नहीं है। और मैं बताता हूँ आपको, दूसरी तरफ मरियम साहबा, जैसे मैंने पहले बताया कि खान साहब के नाम पे अकाउंट बनाने वाली उनकी टीम है, इसी तरह से अब दूसरी तरफ अगर आए, मैं आपको साथ में स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ, मरियम साहबा के नाम पे एक अकाउंट बना टिकटॉक में, आज से तकरीबन 2.5 साल पहले, 2.5 साल में 600 होंगे इसके ऊपर, हर वीडियो में गोगी, फरा, इमरान खान, बुजदार, मतलब जो भी नाम उनको आते हैं और वो क्रिटिसाइज करती रहती हैं, वो ग्लास लेकर अपना वो सारा कुछ किया, उसके बावजूद सरकार 3.5 लाख फॉलोअर्स आए उसके ऊपर। वो सारी वीडियोस को अगर आप देखें तो वो 10,000-20,000 लाइक्स इससे ज़्यादा नहीं है। खान की जो वीडियो पहली डाली गई, खान ने स्पेशल वीडियो नहीं, याद रखिएगा, खान की टिकटॉक अकाउंट के ऊपर वो कोई स्पेशल वीडियो बना के नहीं डाली है। वो था ना, बंदा कहता है कि आप, मैं टिकटॉक पे आ गया हूँ, मुझे फॉलो करें, ऐसा कुछ नहीं है। एक वीडियो रैंडम बनाई, थोड़े से शॉर्ट्स मिक्स किए और वो वीडियो अपलोड कर दी, 5.5 करोड़ के करीब वो व्यूज हुए उस वीडियो को। और अब जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये करोड़ है, अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब पे, गूगल पे, आपको हर जगह पे, हर मुल्क के जो एनालिटिक्स हैं वो ये बताएंगे कि जनाब टिकटॉक की दुनिया में सबसे बड़ा तहलका इमरान खान नामी बंदे ने जो है ना मचाया है। उसी तरह से ट्विटर स्पेस जब पहली बार खान साहब ने की थी तो 1,65,000 तकरीबन एक टाइम पे खान को सुन रहे थे, तो वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और टिकटॉक पे भी वर्ल्ड रिकॉर्ड जनाब खान साहब ने बना दिया है। और मैं ये कहता हूँ, नाम बिकता है ऐसे शख्स को कि जिसको 24 घंटे नहीं हुए, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 24 घंटे नहीं हुए और एक बंदे ने अकाउंट बनाया। मसला ये, मैं बार बार जब ये कहता हूँ, खुद नहीं बनाया, उसको खुद नहीं कहा कि मैंने अकाउंट बना लिया, मेरे अकाउंट को फॉलो करें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उनके फॉलोअर्स हैं जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो पूरा पाकिस्तान है। मतलब आप हर एक पोल उठा के देख लें, आपको आजकल जितने भी पोल्स हो रहे होंगे, मेरे पेज पे आप अगर पोल देखें, कहीं बड़े पेजेस पे जाके पोल्स देखें, तो आपको पता चलेगा कि 98%, 99%, 96%, 92%, 90% ये पाकिस्तानी कौम इस वक्त इमरान खान के साथ। और ऐसे में ऐसे एक लीडर को जिसको, जिसके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा हो, जिसका एक जुमला अगले 24 घंटों में ट्रेंड बन के सामने आ जाता हो, ऐसे शख्स को सियासत से बाहर करने का जो जुनून है वो आखिर किस हद तक है कि उनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। आपको पता है कि अगर आप पॉजिटिव यूज़ करें, अगर आप खान के इस इन्फ्लुएंस का पॉजिटिव यूज़ करें, अगर आप उसको ये कहें कि खान साहब, क्योंकि आपको दुनिया सुनती है, आपको पाकिस्तानी सुनते हैं, आपको बाहर की दुनिया सुनती है, आप पाकिस्तान की कमान संभालें, मतलब कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवा दें, आप उसको जितवाएं मत, उसको कोई फेवर ना दें, सिर्फ लोगों को वोट डालने दें, वो अपने लीडर को मुंतखब कर लें। मेरा मानना यह है कि 3 अरब के लिए हमने एड़ियाँ रगड़ी हैं। मेरा मानना यह है, खान के पास अगर इकतदार आता है, ये कौम 20-20 अरब डॉलर भी खान जो है वो अपने परदेसी लोगों से ही मंगवा लेगा, इन्वेस्टमेंट करवा लेगा, फिर दूसरे मुल्क जो हैं वो जब स्टेबिलिटी देखेंगे मुल्क में पॉलिटिकल, तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे वो टीवी बनाने वाली कंपनियाँ आ गई थी, गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ आ गई थी, कपड़ा बनाने वाली कंपनियाँ हमारी काम कर रही थी, यानी ट्रेड जो है आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी जो है वो हमारी एक पोटेंशियल है। उसी तरह से टूरिज्म में हमारा सानी कोई नहीं है, इस खित्ते में टूरिज्म में हमारा सानी कोई नहीं है। इतना बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान के पास कि अगर सिर्फ टूरिज्म पे काम किया जाए, पाकिस्तान को कभी किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें सारी आपको नज़र आती हैं, इसके बावजूद अगर आप लोग ये समझते हैं कि उसको इकतदार से बाहर निकाल के पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, तो पर जोर लगा लें, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि खान के बगैर ये सिस्टम नहीं चलेगा। अगर ये सिस्टम की बात करें कि ये सिस्टम चलता रहे तो ये चलेगा सो सही, पाकिस्तान जो है वो डूब रहा है और डूबता रहेगा, जिसकी तकलीफ़ फिर ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों को ज़्यादा होती है। क्योंकि हम लोगों ने, हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमने भी इस चीज़ में साथ सफ़र करना पड़ता है हमें, कि हमें अपनी फैमिलीज़ को, अपने फिर हमारा मुल्क, हमें दुख होता है कि यार हम तो एक ख्वाब लेकर बैठे हुए हैं कि हमारा मुल्क भी एक दिन बाहर के जैसे जो मुल्क हैं डेवलप होगा, इस तरह से हमारे जो रोड्स बनेंगे, इस तरह से हमारी सिक्योरिटी होगी, इस तरह से हमारी सेहत के निज़ाम होगा, इस तरह का हमारे एजुकेशन निज़ाम होगा, तो वो चीज़ें फिर हमें हर्ट करती हैं। तो जनाब ये ट्रेंडिंग जो है, जिस तरह से आलू बिरयानी वाली ट्रेंडिंग हुई, जिस तरह से इमरान खान का यूट्यूब के चैनल के ऊपर जब वो आया, फिर इस तरह से जिस तरह ट्विटर की स्पेस के ऊपर खान साहब आए, जो जो चीज़ें आपने देखी कि जितना आपने नाम को बंद किया कि खान साहब का नाम नहीं लेना, इमरान खान का नाम टीवी पर नहीं लेना, टीवी देखना लोगों ने छोड़ दिया, और जो सोशल मीडिया के ऊपर चूंकि वो आते हैं तो लोग सोशल मीडिया पर आ गए हैं, इससे टीवी वालों को भी नुकसान हो रहा है,
एंकर का नुकसान हो रहा है, मतलब आप कुल जमा वो जो करें सब नुकसान हो रहा है, जो करें आप मरियम साहब को सब लॉस हो रहा है, उनको बोले कि कोई जलसा करें, उस जलसे के जो इंडिविजुअली अगर आप थोड़ा सा देखें तो जिसके 30 मिलियन फॉलोअर्स थे, सॉरी सब्सक्राइबर्स थे चैनल्स के, उन चैनल्स के ऊपर व्यूज़ जो आ रहे होते हैं वो याद 800 व्यूज़ हो गए हैं, 2000 व्यूज़ हो गए हैं, 4000 व्यूज़ हो गए हैं, जबकि खान अपने एक नए टिकटॉक अकाउंट पे, वो खुद नहीं, फिर कह रहा हूँ वो खुद नहीं, उसकी टीम इमरान खान के नाम पे अकाउंट बना के उसके ऊपर एक वीडियो, रैंडम वीडियो अपलोड करती है और उस वीडियो के ऊपर 5.5 करोड़ व्यूज़ एक दिन में आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी गलती है, समझने की ज़रूरत है कि आप इससे नज़रें नहीं चुरा सकते, आप कबूतर बन के बिल्ली से नहीं बच सकते, आप हिरण बन के शेर से नहीं बच सकते, आंखें बंद नहीं, आंखें खोलने की ज़रूरत है सरकार, और जितने भी पाकिस्तानी खान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, अपनी लॉयल्टी उसके साथ रखिएगा, जब तक ज़िंदगी लिखी है, सांसें लिखी हैं, हक और सच का साथ देना है, अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। सो गाइस ऐसी वीडियो ते तुसीं देखा कि इस वीडियो विच जिहड़ा अपना टिकटॉक है उहदे उत्ते 1.1 मिलियन फॉलोअर हो गए सी, पर अज दे टाइम च गल करिए ते 5 मिलियन फॉलोअर हो चुके ने, जो कि बहुत वड्डा अकाउंट है, बहुत वड्डी एक नंबर है। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਤਾਇਆ ਹੈ, ਰੈਂਡਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆਏ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਰੈਂਡਮ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1.1 ਫੋਲੋਅਰ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਟਿਕਟੋਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਸ, ਸੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ।